चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर 2 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार। 2 दिन के रिमांड पर हरियाणा के यमुनानगर के नगर निगम के चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर अनिल नैन और उसके एक दोस्त को स्टेट विजिलेंस की टीम ने 2 लाख की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। यमुनानगर नगर निगम में सफाई के ठेके के लिए टेंडर कॉल किए गए थे, जिसमें जिंदल कुमार ने भी आवेदन किया था। जिंदल कुमार भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष जंगशेर का भाई है। जिंदल ने स्टेट विजिलेंस में दी शिकायत में बताया कि उसने सफाई ठेकेदार के रूप में टेंडर भरा था, जिसमें चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर ने उसे कहा कि अगर उसने 3 लाख नहीं दिए तो उसके आवेदन में कमी निकाल कर रिजेक्ट करवा दिया जाएगा। टेंडर कैंसिल होने के डर से उसने 1 लाख रुपए पहले दे दिए और अब 2 लाख और मांगे गए थे, जिस पर उसने स्टेट विजिलेंस को शिकायत की। विजिलेंस की टीम ने प्रशासनिक अनुमति के बाद जिंदल को 2 लाख की राशि के साथ चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर अनिल नैन के पास भेजा, जहाँ चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर अनिल नैन ने सतोली रोड पर यह राशि ली और जैसे ही विजिलेंस टीम को जिंदल ने इशारा किया, विजिलेंस टीम ने मौके पर ही दोनों को हिरासत में ले लिया और उसने 2 लाख बरामद कर दिए। स्टेट विजिलेंस के इंस्पेक्टर जयपाल ने बताया कि अनिल नैन को 2 लाख के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि अधिकारी ने 9 तारीख को भी 1 लाख लिया था। अब यह पैसे कहाँ बांटने थे और 1 लाख कहाँ है, इस संबंध में पूछताछ करनी है, जिसके लिए 2 दिन का रिमांड लिया गया है। वहीं चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर अनिल नैन ने कहा कि यह कार्य इंजीनियर विभाग का था, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया गया है, मैं कोर्ट में इसका जवाब दूंगा। ये अनिल नैन है, सीनियर इंस्पेक्टर है नगर निगम यमुनानगर में। इसके विरुद्ध एक शिकायत मिली थी हेडक्वार्टर में, वहाँ से टीम आई थी, उसके साथ हम गए थे और इसको 2 लाख रुपए के साथ लहरेंद पकड़ लिया है। इसने ठेकेदार से 1 लाख रुपए 9 तारीख को भी लिए थे, जो कुल 3 लाख रुपए हैं। 2 लाख रुपए बरामद हो चुके हैं, 1 लाख रुपए बरामद करने हैं अभी। इसके लिए हमने 2 दिन का रिमांड दिया है और इसके ये पैसे इसने कहाँ कहाँ बांटने थे उसके बारे में पूछताछ। एक्चुअल ये इंजीनियर विभाग का काम था ये कॉन्ट्रैक्ट का, और मेरे पे झूठे इल्जाम लगाए गए हैं, जिसका मैं कोर्ट में जवाब दूंगा, जिसका कोई मेरा सरोकार नहीं था और ये सारा इंजीनियर विभाग का ही काम था, मेरे पे झूठा इल्जाम लगाया गया है। जो 1 लाख रुपए कह रहे हैं कि आपने पहले लिए घर पे रखे हुए हैं गांव में, देखो ऐसे भी कुछ भी कह सकता है, उसकी मर्जी है, झूठा इल्जाम लगा रहे हैं, मैं इसका जवाब कोर्ट में ही दूंगा, जो कोर्ट डिसीजन देगा। जनसेज जी, क्या है पूरा मामला, जो एक चीफ एंट्री इंस्पेक्टर को आपने पकड़वाया? ऐसा है जी, हमने नगर निगम में सफाई का टेंडर भरा था, पहले भी हमारे काम चल रहे थे, तो उसमें अनिल नैन जी बोले भाई आपके कागज पूरे हैं, मुझे मालूम है, और जो यहाँ अधिकारी हैं वो आपसे ना मोटा पैसे चाह रहे हैं, तब आपका टेंडर करेंगे वो, अगर आप पैसा दोगे। हम बोले जी पैसा कितना, तो बोले मैं बात करके बताता हूँ। उसके बाद उन्होंने हमें बताया भाई अभी आप फिलहाल 3 लाख रुपया मेरे को दे दो, बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो मैं और बता दूंगा आपको। हमें ये नहीं पता जी कौन अधिकारी हैं वो, किन से ने बात करी। तो कितने पैसे आपने इसको दे दिए थे और कितने और देने के लिए टाइम पकड़ा? ऐसा जी, एक दिन पहले हम 1 लाख रुपये दे के आए थे, कल 2 लाख रुपये दिए हमने। तो क्या क्या कमी निकालने की बात कर रहा था कागजों में आपके? अगर बात इससे यही बात, तो ये बोले अभी मुझे पता है अभी आपके कागज ठीक हैं, मगर जो अधिकारी हैं वो आपसे पैसा चाह रहे, तब आपके कागज ओके करेंगे वो, अगर आप उनके कहे के हिसाब अनुसार पैसा दोगे।